हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं बीपीएस का 2023 का पीवाई क्यूज, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ओके गाइस, तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, इस पीवाई के जो भी 2023 का है पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये जो है फेमस क्वेश्चन ही है, अगर आप एरे पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप देखे ही होंगे। क्वेश्चन क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स यूजिंग 2D एरे। उसके बाद बोला है चेक द मल्टीप्लीकेशन क्राइटेरिया ऑल्सो वाइल ड्राइविंग द लॉजिक। ये क्या बोला जा रहा है, हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए जो लॉजिक होता है उसको बताना है, और क्राइटेरिया क्या होता है जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वो भी बताना है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए दो, जैसे यहाँ पे देखिए आप डायग्राम बनाते हैं, जैसे पहला मैट्रिक्स मेरा ये है मान लेते हैं, ये भी कुछ n इज टू m टाइप का है, ठीक है। और दूसरा मेरा, दूसरा मान लेते हैं इधर है, और ये मेरा p इंटू q है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको क्राइटेरिया क्या होता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, ये जो है इसके इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया है, अगर ऐसा नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोडिंग में जो भी लिखा गया उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे, ठीक है। एज अ यूजर हम बना रहे हैं, यहाँ पे इनपुट लेंगे यूजर से, हम कहेंगे कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, कितना बाय कितना का बनाना चाहते हैं वो इंटर कराना है। यहाँ पे R1 R2 C1 C2 ये सब हम मैट्रिक्स के रो और कॉलम लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे रो मैट्रिक्स 1 का रो इंटर करवा रहे हैं, उसके बाद रो के बाद कॉलम इंटर करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम R1 और C1 में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एरे बना ले रहे हैं 2D एरे। सेम उसी काम से हम क्या कर रहे हैं, अपना बी एरे जो दूसरे का एरे है उसको बना रहे हैं इनपुट लेके। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इनपुट तो ले लिए तो यहाँ पे हम चेक भी करेंगे, अगर इनपुट ले लिए, अगर रो पहला का कॉलम दूसरा का रो के बराबर है तभी हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर पहला पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे बता देंगे कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अगर इक्वल टू है तो क्या करेंगे, हम इनपुट करवाएंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट को, अगर इनपुट करवा लेंगे तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स में इनपुट करवाते हैं, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट करवा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मल्टीप्लाई करने का आपको लॉजिक पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रख लीजिए, ठीक है। अगर समझना है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कभी वही इसको एक्सप्लेन कर जाएंगे तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको रख लीजिएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हमको बोलना तो नहीं चाहिए रख लीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम उतना टाइम देंगे नहीं गाइस, इसलिए बोल रहे हैं आप रख लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप लिखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विथ डिटेल सोल्यूशन। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, उसके बाद इसको प्रिंट करा लेंगे। चलिए रन करके देखते हैं तभी क्लियर होगा, क्योंकि कोडिंग वाला क्वेश्चन जब तक रन नहीं करवाते हैं तब तक हजम अच्छा से होता नहीं है। ओके गाइस, इसको रन करवा लेते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा कोड देखिएगा तो आपको लगेगा बहुत लेंदी कोड है, लेकिन लेंदी कोड नहीं, एक ही चीज़ को दो तीन बार लिखा गया है इसलिए आपको लग रहा है लेंदी है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम इनपुट ले रहे हैं रो कॉलम, सेम उसी कॉलम उसी चीज़ यहाँ पे हम रो इनपुट कॉलम रो और कॉलम इनपुट ले रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा लाइन हो गया, ठीक है। उस प्रकार से हम फिर कर रहे हैं क्या, इनपुट ले रहे हैं मैट्रिक्स 1 के लिए, फिर मैट्रिक्स 2 के लिए इनपुट ले रहे हैं, इसलिए ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर पहले से ही अगर मान लेते हैं हम प्री जो भी स्टैटिक अगर हम यहाँ पे एरे बनाते हैं पहले से उसमें वैल्यू दे देते इतना ज्यादा लेंथी नहीं होता। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेन लॉजिक यहाँ पे है मल्टीप्लाई करने का, मेन लॉजिक यहाँ पे जो भी है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, यही इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाद बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं रन करवा लेते हैं अपना कोड को, और इसको जो भी है आउटपुट देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आउटपुट आने देते हैं, उसके बाद इसमें हम वैल्यू पुट करके देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आएगा या इंटर द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 1 में रो नंबर देना है तो यहाँ पे 3x3 का बना लेते हैं, फिर कॉलम 1 कॉलम का पूछ रहा है तो कॉलम भी 3 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं क्या, यहाँ पर भी 3 दे देते हैं, यहाँ पर भी 3 दे देते हैं, 3x3 का हम दोनों बना रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहला मैट्रिक्स में वैल्यू दे दिए, दूसरा मैट्रिक्स में देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इस प्रकार से आपका मैट्रिक्स आएगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स के रूल से। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। तो यहाँ पे मेरा होता है 2023 का पीवाई क्विज का समापन, यहाँ पे हम क्या किए हैं जल्दी जल्दी किए हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सब प्रोग्राम वाला ही क्वेश्चन है, तो प्रोग्राम वाला में तो आपको यहाँ पे समझने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपका लॉजिक पहले से क्लियर है तो आप समझ लीजिए होंगे, नहीं तो आप उसको जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, उसको हम डिटेल में लाएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक
क्योंकि प्रोग्राम वाला में 2 मिनट में समझा नहीं सकते हैं, अगर पहले से नहीं आता है तो, अगर पहले से आता है तो 2 मिनट में समझा सकते हैं, लेकिन पहले से नहीं आता तो 2 मिनट में समझ नहीं आएगा, उसके लिए अच्छे से पूरा पूरी डिटेल सोल्यूशन लाना पड़ता है। ओके, तो कहीं पर भी इस क्वेश्चन में डाउट है, इस सीरीज में जो भी है पीवाई क्विज में, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कमेंट कर बता सकते हैं, गाइस उस पे डिटेल सोल्यूशन लाया जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये जो भी था आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है गाइस, फिर भी अगर आपके पास अगर पीवाई क्विज के अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन लाया जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस किसी और टॉपिक में।